Hello everyone, my audible visible? Let me know, then we'll start. Am I audible, visible? Just those who are joining me, please let me know. Am I audible, visible? Let me know, then we'll start. Okay, I think. Yes. Jainam, hello. Okay. I think now I'm audible. चलो फटाफट से आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. बाकी कौन कौन है क्लास में? कुछ हेलो हाय कर दो, पता चल जाए बच्चे आ गए नहीं आ गए. ठीक है ना? ओके. चलो कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ. अब बात में बता देना. ठीक है. ओके जैनम. ओके फाइन बेटा, चलो स्टार्ट करें. तो आज का हमारा टॉपिक है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर. आज का जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है ब्लड का. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में. हाँ ओके. ओसामा जैनम. ओके बरखा भी नहीं आई अभी तक. चलो ठीक है. ओके शी विल जॉइन. ओके फाइन. फिर आनंद भी आता है, वो भी अभी नहीं है. चलो कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं. दे विल जॉइन अस. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है ब्लड का. कल से हम नर्व मसल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, इसके बाद सीवीए स्टार्ट करने वाले. ठीक है, चलो तो फटाफट से चालू कर देते हैं. लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स. ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए कौन कौन सी टेस्ट कॉमनली की जाती है. ठीक है, इसमें से बहुत सारी टेस्ट है. दो तीन टेस्ट जो है वो आपको हिमैट लैब में भी करवाएंगे. ठीक है, तो हाँ सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, मेरे सभी नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल हो जाएंगे. सॉफ्ट कॉपी के लिए एप्लीकेशन वेसेलियस डाउनलोड करके आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. और हार्ड कॉपी मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, अगर मेरी बुक पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. पूरे नोट्स में पूरा फिजियोलॉजी कवर कर लिया है. ठीक है, चलो अभी स्टार्ट कर रहे हैं. तो कौन कौन सी कॉमन टेस्ट है जो कि हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में करते हैं. ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है कि जैसे ही कुछ इंजरी हुई और ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो वो जल्दी से स्टॉप नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर. ठीक है, तो जबकि किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो कौन सा डिसऑर्डर है ये हमें फाइंड आउट करना है. कि सपोज उसे हीमोफीलिया है या फिर उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. कॉमनली ये दो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कॉमन होते हैं. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, और हीमोफीलिया जिसके अंदर फैक्टर 8 डेफिशिएंट है. ठीक है, तो ये कॉमन है. बाकी बहुत सारे और भी है, जैसे वॉन विलेब्रांड डिजीज है, हीमोफीलिया बी है. ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा या फिर थ्रोम्बोस्थेनिया होगा, मतलब प्लेटलेट नॉर्मल है, उसके फंक्शन नॉर्मल नहीं है. तो बहुत सारे और भी डिसऑर्डर्स हैं, वी विल डिस्कस. ठीक है, तो सबसे पहला कौन सी टेस्ट करते हैं? एक तो ब्लीडिंग टाइम करते हैं, क्लॉटिंग टाइम. ये दो टेस्ट हम लोग फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स में करते हैं. ठीक है, इसमें भी ये सबसे ईजी वाली टेस्ट है, पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसमें पूरे मार्क्स चले जाते हैं. वो भी मैं बताऊँगी क्या गलती कर रहे, वो भी बताऊँगी. ठीक है, फिर प्लेटलेट काउंट करते हैं. ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये सब टेस्ट मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ कैसे करना है. ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेशन टेस्ट, थ्रोम्बिन टाइम एंड क्लॉट रिट्रैक्शन टेस्ट, एक के बाद एक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला है ब्लीडिंग टाइम. तो ब्लीडिंग टाइम आपको पता है, ब्लीडिंग टाइम का मतलब क्या है? ब्लीडिंग टाइम का सबसे पहला हम डेफिनेशन से चालू करेंगे. ब्लीडिंग टाइम का डेफिनेशन क्या है? हमारा जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, अगर हमने यहाँ पंचर किया है, ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप होगा.
इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है इसे कहते हैं ब्लीडिंग टाइम, ठीक है। तो ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग टू सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। तो ये जो टेस्ट है आप लोगों को पता होगा, शायद पता है तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, कैसे करते हैं हम लोग एक पंचर करते, ठीक है, तभी स्टॉपवॉच चालू कर देते, फिर हर 15 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स के बाद ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर एक एक ड्रॉप रखते जा रहे, ठीक है। और टाइम कौन सा काउंट करेंगे, जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तब से जब ब्लीडिंग बंद हुआ, मतलब कि सपोज यहाँ मैंने पहला ड्रॉप रखा है दूसरा सॉरी तीसरा चौथा सपोज यहाँ, और यहाँ जब कुछ ड्रॉप नहीं आ रहा है वो हमारा ब्लीडिंग टाइम आएगा, ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग। बच्चे क्या गलती कर रहे हैं जो मैं बताने वाली थी, ये वाला ले रहे लास्ट ड्रॉप है तो ये हमारा टाइम है, नहीं, कौन सा आएगा, ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग टू स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है, बंद हो वो वाला टाइम लेना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, अबाउट 1 to 6 minutes, ठीक है, 1 to 6 minutes नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम अगर हमारा नॉर्मल है तो वो क्या बताएगा कि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि जब हम ये प्रिक करने के बाद हम देखते हैं कि ब्लीडिंग कब स्टॉप हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम देख रहे हैं, टेम्पररी प्लग बन रहा है, ठीक है, टेम्पररी प्लेटलेट प्लग बन रहा है, ठीक है, तो प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, उसके फंक्शंस भी नॉर्मल है, कैपिलरीज भी नॉर्मल है, वेजो कंस्ट्रिक्शन बराबर हो रहा है, तो ये तीनों चीज हमें बताएगी कि ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है। अगर ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड है, लंबा है, 6 मिनट से ज़्यादा, सपोज किसी का 8 मिनट्स या 9 मिनट्स आ गया, ठीक है, तो क्या बता रहा है वो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा, ये कॉमन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब थ्रोम्बोसाइट काउंट कम हो गया, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपुरा। इससे क्या होगा, ब्लू पर्पल कलर के डॉट्स बनेंगे, क्यों, क्योंकि छोटी छोटी जो वेसल्स है ना वो रप्चर होती है, जिससे कि हमें पर्पल कलर के ऐसे डॉट्स मिलेंगे, ठीक है, स्किन के ऊपर। कॉमनली कहाँ पे मिल रहे हैं वो, आनंद गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू माय क्लास। तो ये पर्पल कलर के जो स्पॉट्स है कॉमनली लोअर लिम में, जहाँ पे बोन होता है ना, शीन ऑफ टीबिया, वहाँ मिलते हैं, ठीक है। और हीमोफीलिया में ये नॉर्मल रहेगा, क्योंकि हीमोफीलिया में हमारे फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, प्लेटलेट तो हमारे बराबर है। तो ये हो गया हमारा पहला टेस्ट, ठीक है। दूसरा टेस्ट हम करेंगे, जो हम करते ही है प्रैक्टिकल में, क्लॉटिंग टाइम। तो क्लॉटिंग टाइम का डेफिनेशन, सबसे पहले टाइम इंटरवल बिटवीन, किन दोनों के बीच का इंटरवल है, ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, यहाँ पे ये फर्क है याद रखना है, ठीक है, स्टॉपेज नहीं है यहाँ पे, टू फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन थ्रेड, ठीक है। ये कैसे करते हैं आप लोगों को पता होगा, हम लोग एक प्रिक करेंगे तभी हमारा स्टॉपवॉच चालू हो जाएगा, इसके बाद हम कैपिलरी लेते हैं, कैपिलरी को 45 डिग्री पर रख के हम ब्लड इसके अंदर फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हर 30 सेकेंड्स पे या 15 सेकेंड्स के पे वो कैपिलरी को ब्रेक करते हैं। हेलो बखा, हाँ बोलो बेटा, यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी बेटा, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। इसके बाद हम कैपिलरी को ब्रेक करते हैं, ठीक है, और जब हम ब्रेक करेंगे और जब अंदर फिब्रिन का थ्रेड बनेगा वो टाइम हमें नोट करना है, वो है हमारा क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। इसका ड्यूरेशन हमेशा से ब्लीडिंग टाइम से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग टाइम हमारा 1 to 6 minutes हुआ, तो ये हो गया हमारा 3 to 7 या 3 to कुछ कुछ बुक्स में 9 या 8 minutes भी लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पॉर्टेंट बात, क्लॉटिंग टाइम, यहाँ पे हमारा एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे एक्टिवेट हो रहे हैं। क्यों एक्सट्रिंसिक, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो बाहर आ रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, ठीक है। बट ज़्यादा हमारा क्या एक्टिवेट हो रहा है, हाँ, 1 drop ऑफ ब्लड BT के प्रैक्टिकल में डिस्कार्ड करेंगे क्या, नहीं, ये बेटा BT में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो हाँ BT में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यूजुअली हम जो करते हैं तो वो कर रहे हैं, पर हाँ इसमें आप डिस्कार्ड नहीं करोगे तो चलेगा, करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने स्टॉपवॉच कब चालू किया है, जब हमने प्रिक किया, ठीक है, तो हमारा टाइम तो स्टार्ट हो गया,
टाइम तो स्टार्ट हो ही गया है, तो उसके बाद हमें अगर हमने ड्रॉप वाइप आउट कर भी दिया, नहीं भी किया, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने टाइम नोट करना चालू कर दिया है। एम आई क्लियर? हम आरबीसी काउंट डब्ल्यूबीसी काउंट में वो जो ड्रॉप है ना डिस्कार्ड करते थे, क्यों? क्योंकि आजू बाजू में जो टिश्यू फ्लूइड आता है ना, तो इससे हमारा जो काउंट होता है ना वो डाइल्यूट हो जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए हम पहला ड्रॉप डिस्कार्ड करते। इसमें करोगे कि नहीं करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने टाइम नोट करना, जब हमने प्रिक की है हमने टाइम नोट करना चालू कर दिया है। ठीक है, ओके, एम आई क्लियर बेटा? बता देना। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तो ब्लीडिंग टाइम में पहला तो मैंने बताया ना, एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्लॉटिंग टाइम में वो एक्टिवेट हुआ, साथ साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी एक्टिवेट हो रहा है। क्यों? सॉरी, इंट्रिंसिक पाथवे। क्यों इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो रहा है? बिकॉज हमने जो कैपिलरी ली है ना वो ग्लास की बनी हुई है, और जैसे ही हमारा ब्लड ग्लास के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जो कि वाटर वेटेबल सरफेस है, वाटर वेटेबल सरफेस, इसके कॉन्टेक्ट में जब भी आएगा ब्लड, तो हमारा फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, और 12 एक्टिवेट हो रहा है तो हमारा आएगा कौन सा पाथवे आएगा? हमारा कौन सा पाथवे आ रहा है बता दो बच्चों, 12 फैक्टर एक्टिवेट हुआ तो आएगा हमारा इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो गया। ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ, यहाँ पे अभी तो ब्लीडिंग टाइम हमारा प्रोलॉन्ग था, किसमें? प्लेटलेट काउंट कम होगा। क्लॉटिंग टाइम हमारा प्रोलॉन्ग कहाँ पे होगा? हीमोफीलिया में। ठीक है, क्योंकि हीमोफीलिया में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, और आपको पता हो तो इंट्रिंसिक पाथवे हमने किया था 12, 11 इंट्रिंसिक। बढ़िया बढ़िया जैनम ओसामा, बढ़िया बेटा। 12, 11, 9, 8 है ना, ऐसे किया था 12, 11, 9, 8 सॉरी, और फिर 10 ऐसे आ रहा था हमारा। ठीक है, तो ऐसे करके तो इसमें 8 वाला जो फैक्टर है ना, अगर नहीं होगा तो ये पूरा पाथवे नहीं बनेगा, और हमारा जो फिब्रिन थ्रेड नहीं बनेगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं, जो मैं फिर से बता रही हूँ। ब्लीडिंग टाइम किसमें प्रोलॉन्ग्ड है, क्या बताना है? प्लेटलेट काउंट कम होगा। क्लॉटिंग टाइम किसमें प्रोलॉन्ग्ड है, ये क्वेश्चन इजीएस्ट है और आपको प्रैक्टिकल में पूछेंगे। क्लॉटिंग टाइम किसमें प्रोलॉन्ग्ड होगा, जिसमें हमारा फैक्टर 8 डेफिशिएंट है, जिसे कहते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, पर इसमें ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहेगा हीमोफीलिया में। क्यों नॉर्मल रहेगा ब्लीडिंग टाइम हमारा? क्योंकि इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन तो होगा, इसमें प्लेटलेट प्लग भी बनेगा, तो हमारा जो ब्लीडिंग टाइम है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, हाँ। अभी और एक बात, ये भी कभी इंपॉर्टेंट पूछते हैं, फिजियोलॉजिकली क्लॉटिंग टाइम कभी कभी रिड्यूस हो जाता है। कहाँ कब रिड्यूस होता है? जब फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन में होती है, क्योंकि तब क्लॉट बनाना होता है, और पार्चुरेशन के टाइम, क्योंकि जल्दी से उसको फिब्रिन बनाना है, क्लॉट बनाना है, तो वो फिजियोलॉजिकली कम होगा। कॉज प्लेटलेट काउंट नॉर्मल, हाँ ओके, बढ़िया बेटा, बढ़िया, प्लेटलेट नॉर्मल, वेरी वेरी गुड, गुड जैनम ओसामा, गुड बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकली कभी कभी आपका करोगे क्लॉटिंग टाइम कम आया, तो इसका कारण है मे बी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और बिफोर पार्चुरेशन। ठीक है, हाँ, और एक भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, टेम्परेचर। अगर सपोज आप विंटर में कर रहे हो और अगर आप समर में कर रहे हो, तो भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जो विंटर में होता है ना, तो हमारे जो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, वो एंजाइम्स है, तो उनको एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये फिजियोलॉजिकली थोड़ा सा लॉन्गर होगा। फिजियोलॉजिकली लॉन्गर होना मतलब ये लिमिट में आएगा, पर थोड़ा सा इस साइड पर रहेगा, 8 मिनट्स तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और पैथोलॉजिकली प्रोलॉन्ग किसमें रहेगा? एक तो हमारा पैथोलॉजिकली लॉन्ग किसमें होगा, हीमोफीलिया तो है ही है, सबसे पहला बताना है हीमोफीलिया। फिर अगर किसी को लीवर डिजीज हुई, ठीक है, तो लीवर डिजीज होगी तो हमारे 2, 7, 9, 10 फैक्टर्स, ठीक है ना, तो यहाँ 10 भी तो चाहिए, तो वो डेफिशिएंट होगे। ठीक है, फिर फाइब्रिनोजेनेमिया, कई कई लोगों को फाइब्रिनोजन भी नहीं बनता, तो ए फाइब्रिनोजेनेमिया, इसमें भी हमारा क्लॉटिंग टाइम लंबा होगा। फिर
क्योंकि लास्ट में वो फिब्रिन थ्रेड ही नहीं बनेगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एक और हीमोफीलिया ए जैसा हीमोफीलिया बी भी होता है, जिसे कहते हैं क्रिसमस डिजीज, ठीक है, जिसमें भी आपका क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा। और दूसरा एक विटामिन के डेफिशिएंसी ना, एंटी कोगुलेंट देते कभी कभी वॉरफेरिन ड्रग की जो विटामिन के की एंटागोनिस्ट है, और विटामिन के अगर कम हो गया या विटामिन के को इनहिबिट करने वाली कोई ड्रग दे दी हमने तो भी क्लॉटिंग टाइम लंबा आएगा। जैसे मैंने एंटी कोगुलेंट के लेक्चर में बताया था कि जो वॉरफेरिन है डाइकाउमेरोल डेरिवेटिव से, वो सर्जरी के पहले देते हैं हम, तो उसके पहले हम देंगे तो क्या होगा, क्लॉटिंग टाइम लंबा होगा, दैट इज नेचुरल। फिर वो ड्रग की इफेक्ट चली जाएगी तो फिर क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से कॉजेज हो गए, पैथोलॉजिकली हीमोफीलिया, लीवर डिजीज, विटामिन के डेफिशिएंसी, क्योंकि लीवर में ये 2, 7, 9, 10 फैक्टर को बनने के लिए हमें चाहिए विटामिन के, ठीक है, ए फाइब्रिनोजेनेमिया और हीमोफीलिया, बी क्रिसमस डिजीज, ठीक है। फिर एक और है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये वन स्टेज मेथड है। कैसे करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम में, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो पहले ऑक्सीलेटेड या साइट्रेटेड प्लाज्मा लेंगे, ठीक है, साइट्रेट या ऑक्सीलेट डाला होगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम चिलेट हो गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम फैक्टर थ्री डालेंगे। फैक्टर थ्री कौन सा था, वेरी गुड बेटा, ए फाइब्रिनोजेनेमिया, मतलब फाइब्रिनोजन कम हो गया, ठीक है, ए फाइब्रिनोजेनेमिया, बढ़िया बढ़िया, क्रिसमस डिजीज, गुड गुड, आंसर कर रहे हो, हाँ चलो। तो अभी हमें पहले सबसे पहले क्या लेना है, यहाँ वाला हमने साइट्रेटेड प्लाज्मा लिया, तो साइट्रेटेड प्लाज्मा में कैल्शियम नहीं है, क्योंकि अगर हम कैल्शियम वाला लेंगे ना तो बाहर निकालते ही वो क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसके अंदर एंटी कोगुलेंट डालते हैं, ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर थ्री डाल रहे, फैक्टर थ्री का नाम याद हो तो चैट बॉक्स में डाल देना, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, बढ़िया ओसामा, हाँ बढ़िया, ठीक है, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डालेंगे, ठीक है, साथ में हम कैल्शियम भी डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमने कैल्शियम निकाल दिया है, अभी हमें क्लॉटिंग करवाने के लिए कैल्शियम चाहिए, ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, लीवर डिस्फंक्शन, गुड जैनम, गुड बेटा, हाँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर थ्री प्लस कैल्शियम, अभी हम और हाँ फैक्टर थ्री और कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, ठीक है, और उसको इनक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइम में हमारा जो है वो प्लाज्मा जेल जैसा बनेगा। प्लाज्मा में से तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे थ्री फैक्टर है, तो कौन सा पाथवे एक्टिवेट हुआ, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, और मैंने बताया था कि एक्सट्रिंसिक है ना वो एक्सप्लोजिव है, बहुत फास्ट है ना, इसीलिए हमने जो क्लॉटिंग फैक्टर में देखा ना वो इंट्रिंसिक पाथवे था, तो उसमें मिनट्स लगे, यहाँ पे सेकेंड्स लगेंगे, तो ये 11 टू 16 सेकेंड्स में हमारा जेल या हमारा फिब्रिन थ्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा पाथवे चेक कर रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम में हम चेक कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, तो वो बढ़िया बढ़िया जैना मोसामा, बढ़िया बेटा, तो यहाँ पे विद इन सेकेंड्स होगा, क्लॉटिंग टाइम में हमारा इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो रहा है जो स्लो है हमेशा। तो यहाँ देखो ये वाला थ्री फैक्टर आया, फिर थ्री हमारा सेवन को एक्टिवेट करेगा, सेवन हमारा 10, 5 and 2, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग होगा, इजी है ना, थ्री तो डाल दिया है हमने, फिर सेवन, ठीक है, 3, 7, 10, 5, 2, तो ये निकाल दो थ्री, अभी कौन से बच गए, ये वाले चार है ना, 2, 5, 7 and 10, तो इन की डेफिशिएंसी हुई तो हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। और साथ साथ में जैसे मैंने बताया 2, 7, 9, 10 कौन बनाता है, लीवर, तो लीवर फेलियर में भी प्रोलॉन्ग होगा। ये बनाने के लिए लीवर को चाहिए क्या, लीवर को चाहिए विटामिन के, तो विटामिन के एंटागोनिस्ट, विटामिन के की डेफिशिएंसी या सॉरी विटामिन के एंटागोनिस्ट एंटीकोगुलेंट जो हमने मैंने बताया था ना वॉरफेरिन, वो जब हम देंगे तब अगेन ये टाइम लॉन्ग आएगा, ठीक है, और लो फाइब्रिनोजन कंसेंट्रेशन, ठीक है, पर ये हीमोफीलिया में नॉर्मल आएगा। क्यों, क्योंकि हीमोफीलिया में हमारा इंट्रिंसिक पाथवे चाहिए, ये हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे चेक कर रहा है। अभी एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको फर्स्ट ईयर में नहीं आएगा, सेकेंड ईयर में कभी आएगा,
ये INR में देते हैं. INR means International Normalized Ratio, मतलब हम क्या करते हैं, जो पेशेंट का आ रहा है ना, पेशेंट का डिवाइडेड बाय कंट्रोल, ऐसे लिखते हैं. तो पेशेंट का जो आ रहा है और डिवाइडेड बाय कंट्रोल, वो 1 के अराउंड रेशियो रहना चाहिए. बहुत ज़्यादा पेशेंट का लंबा हो गया तो ये रेशियो बढ़ेगा, ठीक है. तो ये आपको बहुत अभी नहीं आएगा, पैथोलॉजी में आएगा, ठीक है. तो नेक्स्ट आ गया हमारा प्रोथ्रोम्बिन टाइम. इसके बाद करते हैं पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, PTT. इसको क्या कहते हैं, क्योलिन सिफेलिन क्लॉटिंग टाइम भी कहते हैं, ठीक है. इसमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करें, अगेन हम ऑक्सीलेटेड या साइट्रेटेड प्लाज्मा तो ले ही लेते हैं पहले, ठीक है. इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे केओलिन, ये वाला. ये केओलिन क्या कर रहा है, हमें सरफेस कॉन्टैक्ट देगा, ठीक है, सरफेस कॉन्टैक्ट. यहाँ पे हम अगेन क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है. तो सरफेस कॉन्टैक्ट चाहिए तो केओलिन डालेंगे. और सिफेलिन, सिफेलिन हमें देगा फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि हम बाहर निकल रहे हैं ना अभी, तो इंट्रिंसिक पाथवे में जो फॉस्फोलिपिड था ना, वो प्लेटलेट से आता था, यहाँ तो है नहीं हमारे पास, ठीक है. तो फॉस्फोलिपिड, क्योंकि प्लाज्मा लिया है हमने, हमारे पास प्लेटलेट नहीं है, ठीक है. तो फॉस्फोलिपिड डालेंगे और फिर उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड तो डालेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा है वो, उसमें से हमने कैल्शियम निकाल दिए, ठीक है. इसके बाद ये जो मिक्सचर है, इसको फिर से इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री के ऊपर और देखेंगे कितने टाइम में हमारा जो वो प्लाज्मा है वो जेल बना रहा है. तो यहाँ पे सरफेस कॉन्टैक्ट आया तो फिर 12 फैक्टर एक्टिवेट हो रहा है, फिर यहाँ से सभी जाएंगे 12, 11, 9, 8, 7, ठीक है. और ये जो टाइम है ना, थोड़ा सा फास्ट रहेगा हमारे जो क्लॉटिंग टाइम की कंपेरेटिवली, दिस इज अबाउट 40 सेकेंड्स, ठीक है. और ये लॉन्गर किस में होगा, जैसे हमने बताया इंट्रिंसिक पाथवे, हीमोफीलिया, वॉन विलेब्रांट डिजीज, लीवर डिजीज में भी होता है, क्योंकि लीवर डिजीज में 2, 7, 9, 10 आया ना, 10 वाला चाहिए यहाँ पे हमें, ठीक है, 9 भी चाहिए तो लीवर डिजीज में, ठीक है. डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 12, एंटीकोगुलेंट, हाँ, दूसरे जो एंटीकोगुलेंट है ना, हमारा जो हिपेरिन है, हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है इसमें वॉरफेरिन डेफिशिएंसी 2, 7, 9, 10, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा चाहिए था वॉरफेरिन, विटामिन के एंटागोनिस्ट, यहाँ पे एंटीकोगुलेंट हिपेरिन की ट्रीटमेंट हो, ठीक है. तो हिपेरिन हमारा है लॉन्गर इन इंट्रिंसिक पाथवे, यस बेटा, बढ़िया, हाँ, इंट्रिंसिक पाथवे लंबा होता है, ठीक है जैनम, बढ़िया बेटा. तो हिपेरिन जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, हिपेरिन थेरेपी दे रहा है, तो 9, 10, 11, 12 हमने दिया था, ये जो फैक्टर्स है ना, उसको हिपेरिन इनएक्टिवेट कर रहा है. तो हिपेरिन गया, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट दिया है, तो हिपेरिन क्या करेगा, ये चारों फैक्टर को इनएक्टिवेट करेगा. तो फिर से हमारा ये जो 12 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, तो ये प्रोथ्रोम्बिन पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. और इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग हो रहा है, DIC हमने किया था, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन. तो इसमें हमारे क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो गए, एक जगह पे बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग होने लगा, तो क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पे यूज़ हो गए, तो बाकी जगह पे क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है. और ये जो टेस्ट है ना, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट कहाँ यूज़ हो रहा है, अगर हम किसी पेशेंट को हिपेरिन पे रखा है, तो देखना है कि हिपेरिन बराबर काम कर रहा है कि नहीं, तो हम PTT करेंगे. अगर किसी को हिपेरिन दिया ही है फिर भी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम 40 सेकेंड्स ही आ रहा है, मतलब हिपेरिन इज नॉट वर्किंग और हमें डोज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है. तो इसलिए ये यूज होता है, ठीक है. अभी इसके बाद है थ्रोम्बिन टाइम. हाँ, तो ये वाला, हाँ, ये जो मैंने आगे बताया ना, दो जो टेस्ट थी हमारी, इसमें क्या डिफरेंस था, ये एक है प्रोथ्रोम्बिन टाइम. प्रोथ्रोम्बिन टाइम था, ये हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है, जबकि हमारा है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. इसे कहते हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम में हम दे रहे हैं केओलिन और केओलिन एंड सिफेलिन. तो हम क्या कर रहे हैं, इससे हम एक्टिवेट कर रहे हैं इंट्रिंसिक पाथवे. तो ये डिफरेंस है PT और PTT में, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है. ये दोनों में इतना डिफरेंस है, ठीक है, याद रखो बच्चों. चलो बढ़िया,
अभी हम नेक्स्ट करेंगे, छोटा सा टेस्ट है, थ्रोम्बिन टाइम। थ्रोम्बिन टाइम में क्या है, थ्रोम्बिन डालना है हमें। अगर हम थ्रोम्बिन डालेंगे तो इमीडिएटली क्लॉट हो जाएगा। थ्रोम्बिन जो है वो फाइनल स्टेप है। थ्रोम्बिन हुआ तो पूरा पॉजिटिव फीडबैक एक्टिवेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो हम क्या मेजर कर रहे हैं, फाइनल स्टेप ऑफ कोगुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम मेनली हम देखना क्या चाह रहे हैं, हमारा फाइब्रिनोजन ठीक है कि नहीं है। थ्रोम्बिन डालेंगे और फाइब्रिनोजन ही नहीं होगा तो क्या होगा, क्लॉट नहीं बनेगा। थ्रोम्बिन डालने के बाद भी नहीं बनेगा, जो हम कहते हैं ए फाइब्रिनोजेनेमिया, ठीक है, या हाइपोफाइब्रिनोजेनेमिया। तो इसके लिए ये टेस्ट करते हैं थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। तो थ्रोम्बिन टाइम में हम क्या करेंगे, एक तो प्लाज्मा ले लिया, प्लाज्मा जिसके अंदर कैल्शियम भी निकाल दिया और प्लाज्मा है। फिर इसके बाद हम डायरेक्टली इसके अंदर डालेंगे थ्रोम्बिन और 10 सेकेंड के अंदर ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, अगर फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है तो इसको बनाएगा फिब्रिन थ्रेड और क्लॉट बन जाएगा, ठीक है। तो थ्रोम्बिन टाइम किस में प्रोलॉन्ग्ड होगा, अगर हमारा फिब्रिनोजन ही नहीं है, या फिब्रिनोजन डिस्टर्ब्ड है, डिसफिब्रिनोजेनेमिया, या फिर डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, वाइड स्प्रेड सब जगह पे क्लॉटिंग प्रोसेस ने यूज करना चालू कर दिया तो क्या होगा, हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो गए तो फिर नहीं होगा यहाँ पे क्लॉटिंग, ठीक है। और हिपेरिन ट्रीटमेंट, बिकॉज हिपेरिन कर रहा है, हिपेरिन का पता है, याद है तो, इट रिमूव थ्रोम्बिन, एंटी थ्रोम्बिन 3 होगा ना इसका एक्शन, एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन 3। तो फिर दो एक्शन थे ना, एक था उसका 9, 10, 11, 12 क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करेगा, और दूसरा एंटी थ्रोम्बिन 3 के थ्रू वो थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेगा। तो हिपेरिन ट्रीटमेंट में भी, थ्रोम्बिन देने के बाद भी उसका एक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जो हिपेरिन है वो उसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम, अगर क्लॉट बना इसके बाद उसका रिट्रैक्शन भी होना है, जिसे कहते हैं क्लॉट रिट्रैक्शन, और उसके लिए कितना टाइम चाहिए वो नॉर्मल टाइम हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा जो क्लॉट बना है उसको हमें पहले डिस्टर्ब नहीं करना है, वहीं के वहीं रखना है, और फिर देखना है कि कितने टाइम में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे ये देखो, ब्लड को एंटीकोगुलेंट डाले बगैर टेस्ट ट्यूब में रखना है और देखना है नीचे क्लॉट बनेगा, ऊपर सीरम आएगा, यहाँ पे ये देख लो ये वाला, और नीचे क्लॉट बन गया, और ये क्लॉट बनने के बाद वो रिट्रैक्ट होना चालू होगा। कब चालू होगा, 2 आवर्स में, 2 घंटे में चालू हो जाएगा, और कंप्लीटेड होगा 24 आवर्स में। ये हो गया नॉर्मल क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम। अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपिन या प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो ये क्लॉट रिट्रैक्ट नॉर्मल टाइम में नहीं होगा, ठीक है। और किसी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं है पर थ्रोम्बोस्थेनिया है, एस्थेनिया मतलब थक जाना, जिसके प्लेटलेट थक गए, वो फंक्शन नहीं कर रहे ठीक से, तो इसमें भी जो क्लॉट है ना वो छोटा सा बनेगा, सॉफ्ट क्लॉट बनेगा, रिट्रैक्शन के लिए ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम। तो ये हो गया हमारे टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। एक बार रिपीट करते हैं, बीटी किया हमने, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, फिर कौन सा टेस्ट था याद हो तो लिख दो, हाँ, फिर था इम्पॉर्टेंट हमारा प्लेटलेट काउंट, तो हमने करवा दिया है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना था, 1.5 1,50,000 टू अबाउट 4 लैक्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद था प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पार्शियल थ्रोम्बो, ये पीटी लिखते हैं, पार्शियल थ्रोम्बो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, थ्रोम्बोप्लास्टिन जनरेशन टाइम मैंने लिखा हुआ है पर वो ज़्यादा नहीं करते तो मैं नहीं करवा रही हूँ। फिर थ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, और क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम, ठीक है, बढ़िया। APTT, हाँ ओके ओसामा, बढ़िया बेटा, APTT और PT, गुड, बढ़िया बेटा। चलो अभी क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, जो जो भी कुछ कुछ बच्चे चले गए, जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। चलो आज का ब्लड का लास्ट टॉपिक है हमारा, कल से हम नर्व मसल फिजियोलॉजी चालू करने वाले, ठीक है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम, बरखा, बढ़िया बेटा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, थ्रोम्बिन टाइम, गुड, बच्चों ने पढ़ाई की है अच्छे से। चलो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम कौन बताएगा, हुँ?
वन टू से, हाँ ओके, वन टू थ्री होता है, वन टू सिक्स भी हो सकता है बेटा। इसका एक रीजन बता दूँ, फिजियोलॉजिकली कब प्रोलॉन्ग्ड होगा। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया गुड। सी मैं एक और बात बताना भूल गई, ब्लीडिंग टाइम जो है ना, ब्लीडिंग टाइम है ना, उसका फिजियोलॉजिकली लॉन्गर होने का रीजन बता दूँ मैं। कभी कभी आपने बहुत ही जोश में आके जोर से प्रिक कर दिया हो, है ना, तो जब प्रिक बड़ा हुआ ना तो क्या होगा, आपका ब्लीडिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। एक जना छोटा सा प्रिक करता है डरते डरते, दूसरा जना जोर से प्रिक करता है, तो दोनों का ब्लीडिंग टाइम, इसीलिए बेटा ये जो है ना थोड़ा सा हम लंबा रख रहे हैं ड्यूरेशन, वन टू सिक्स। बढ़िया आनंद, हाँ ओके करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। ठीक है चलो, फिर नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ क्लॉटिंग टाइम, हमेशा याद रखना है क्लॉटिंग टाइम ब्लीडिंग टाइम से तो लंबा ही होगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि ब्लीडिंग टाइम, आप जब भी प्रैक्टिकल करो ना तो ये बात ध्यान रखना है कि हो सके तो ऐसा करना, ब्लीडिंग टाइम कभी भी लंबा नहीं आना चाहिए क्लॉटिंग टाइम से, नॉर्मली नहीं होता है ना। अगर मैंने जैसे बताया ना आपका प्रिक बहुत जोर से हुआ तो ब्लीडिंग टाइम लंबा आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ओसामा आपको हंसी आ रही है, पर एग्जाम में ना टेंशन में सब होता है, छोटा सा भी प्रिक आ रहा है बड़ा सा भी आ जाता है ना, टेंशन में तो कुछ भी होता है। अभी हंस लो, उस टाइम पे नहीं आएगी हंसी, है ना। चलो बेटा गुड करेक्ट आंसर, सब लोग अच्छे से आंसर कर रहे हो, चलो गुड गुड। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इंडिकेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इजी वाला लग रहा है, अभी एग्जाम में गलतियां करोगे। ब्लीडिंग टाइम किस में प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, मेरे बच्चे शायद नहीं करेंगे, और क्लॉटिंग टाइम किस में प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं। ये भी आप चैट बॉक्स में डाल देना मुझे आंसर में, है ना, ए बी सी डी के साथ, ब्लीडिंग टाइम कौन सी डिजीज में लंबा है, क्लॉटिंग टाइम कौन सी डिजीज में लंबा है, चलो बता दो बच्चों इसका आंसर, बताई दो। ठीक है इसका आंसर करेक्ट हो गया उसामा, 3D। अभी मुझे बता दो ब्लीडिंग टाइम किस में लंबा होगा, हीमोफीलिया या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हाँ बेटा डी आएगा, जैनम डी है करेक्ट आंसर, हाँ करेक्ट आंसर, आंसर करेक्ट है डी। इसमें हाँ ये भी बता देती हूँ पहले, ये नॉर्मल हेल्थ ऑफ कैपिलरीज क्यों चाहिए। हाँ करेक्ट आनंद, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन करना है ना पहले, फिर प्लेटलेट प्लग बनेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। हाँ ब्लीडिंग टाइम करेक्ट आंसर, जैनम ओसामा करेक्ट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में ब्लीडिंग टाइम लंबा होगा। बढ़िया, यहाँ पे याद रखना है वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा पहला स्टेप, उसके बाद प्लेटलेट प्लग बनेगा, ठीक है पहले नहीं बनेगा, है ना, तो ये डी आएगा करेक्ट आंसर। अभी क्लॉटिंग टाइम किस में प्रोलॉन्ग होगा वो भी बता दो बच्चों, क्लॉटिंग टाइम। बढ़िया बरखा, हाँ बरखा का इंतजार कर रही थी, मैंने कहा आंसर नहीं आया बरखा का। बढ़िया चलो अभी ये भी बता दो बेटा, दोनों सभी दोनों नहीं चारों। चलो क्लॉटिंग टाइम किस में प्रोलॉन्ग है बच्चों, हीमोफीलिया। हाँ ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल हीमोफीलिया में हुआ, क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग किस में हुआ, क्लॉटिंग टाइम में हमारा इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है ना करेक्ट बेटा, हीमोफीलिया। जैनम आज ज्वाइन हुआ है पर अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, बेटा कंटिन्यू करना तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा। बढ़िया ओसामा, बढ़िया, मेरे बाकी बच्चे तो सब अच्छे से कर रहे हैं, जो पहले आ रहे हैं पहले से, वो पहले दिन से जो रेगुलर है ना वो तो अच्छे से आंसर करेंगे, नए बच्चे वो भी करेंगे जो अच्छे से क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है करेक्ट करेक्ट। चलो नेक्स्ट, क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग्ड इन हीमोफीलिया क्रिसमस डिजीज। बढ़िया वेरी गुड बरखा, क्लॉटिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन, चलो ये भी आ गया। देखो बरखा ने ऐड किया था, मैंने एक और ऐड कर दिया, एक तो हीमोफीलिया में तो क्लॉटिंग टाइम लंबा हो गई, लीवर डिजीज मैंने क्या बताया था, लीवर में कौन से क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, 2, 7, 9 and 10। हमारा इंट्रिंसिक पाथवे में कौन से चाहिए, 7 नहीं चाहिए होगा हमें, हमें चाहिए थे, एक बार इंट्रिंसिक पाथवे भी रिवाइज हो जाएगा साथ साथ में, 12 उल्टी गिनती करनी है, फिर आएगा 11,
नाइन एट टेन फाइव और टू. बढ़िया बढ़िया, चलो ऑल ऑफ द अबव, गुड गुड गुड. तो ए फाइब्रिनोजेनेमिया में टू फैक्टर नहीं हुआ है ना, तो सब में होगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट. चलो बढ़िया सर. नॉर्मल प्रोथ्रोमिन टाइम, प्रोथ्रोमिन टाइम है ना, यहाँ पे क्या करना है. प्रोथ्रोमिन टाइम में मैं फिर से बता रही हूँ कैसे किया था हमने, चलो रिवाइज हो जाएगा. प्रोथ्रोमिन टाइम में हमने क्या किया था, पहले तो एक प्लाज्मा लिया जिसके अंदर हमने साइट्रेटेड प्लाज्मा या ऑक्सीलेटेड, तो कैल्शियम निकल गया. फिर उसके बाद हमने क्या डाला, फैक्टर नंबर थ्री जिसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है. फिर उसके अंदर डाला कैल्शियम CaCl2, उसको इनक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस पे. तो यहाँ पे हमारा पाथवे एक्टिवेट हो रहा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो होगा बहुत जल्दी फास्ट, ठीक है. अगर वो फास्ट है तो वो सेकंड्स में आएगा या मिनट्स में आएगा, सेकंड्स में आएगा. तो ये हो गया करेक्ट आंसर. कौन जल्दी सबसे पहले, आनंद ने दिया है आंसर, बढ़िया. कोई नहीं, जिसका नेट जल्दी चल रहा है उसका आंसर फास्ट आ रहा है, हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, है ना. सब सभी लोगों को आता है, सब लोग आंसर कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया. 11 to 16 seconds, बरखा करेक्ट आंसर. नहीं नहीं, इसके लिए आप नेट रिचार्ज बहुत ज़्यादा नहीं करवा लेना. हाँ, आप आंसर कर रहे हो वो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पहले आना है. हाँ करेक्ट बेटा, करेक्ट. नंबर 6, चलो. नॉर्मल पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, PTT. PTT में क्या कर रहे हैं, चलो उसका भी रिवीजन कर लेते हैं. उसमें भी हमने प्लाज्मा लिया था, ठीक है. फिर उसके बाद केओलिन एंड सिफेलिन डाला था. सिफेलिन था क्या था, हाँ बता देना. सरफेस फैक्टर और फॉस्फोलिपिड डाले थे. हाँ चलो ठीक है. तो प्लाज्मा लिया, इसके अंदर केओलिन डाला, सिफेलिन डाला, सरफेस फॉस्फोलिपिड डाला, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, हाँ CaCl2 तो डालना ही है, कैल्शियम तो चाहिए ही चाहिए. उसके बाद उसको इनक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस पे, और हमारा पाथवे एक्टिवेट हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे, और इसका टाइम है 40 seconds, करेक्ट. आनंद, हाँ, उसामा, बरखा, तीनों का करेक्ट है, ठीक है, बढ़िया, चल गुड. नंबर 7, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन, ओ सॉरी सॉरी, आंसर शो हो गया, सॉरी, पर हमें आएगा क्योंकि इसमें हम कर रहे हैं फिर से पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है. तो इंट्रिंसिक पाथवे हमारा एक्टिवेट हो रहा है, मतलब क्या है, हमें चाहिए फैक्टर नंबर 8 चाहिए. हाँ, अभी ये एक है वॉन विलेब्रांड डिजीज, ये एक बात बताना रह गई थी. वॉन विलेब्रांड डिजीज में क्या हो रहा है, वॉन विलेब्रांड फैक्टर डेफिशिएंसी, सॉरी जैना, हाँ ओके, हाँ हाँ, ये मेरे से आंसर शो हो गया तो आपको जल्दी आ गया. पर एक बात आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वाली बात है वो सुन लो अभी बच्चों. हाँ, ये क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता देती हूँ. वॉन विलेब्रांड डिजीज में क्या होता है, वॉन विलेब्रांड जो फैक्टर था ना, मैंने बताया था वो एडहेजन करता है, साथ साथ में उसका एक इम्पॉर्टेंट काम भी है वॉन विलेब्रांड फैक्टर का. ये क्या कर रहा है पता है, ये आपका जो फैक्टर 8 है ना, उसकी लाइफ बढ़ाएगा, प्रोलॉन्ग करेगा, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होने देगा. इसीलिए वॉन विलेब्रांड फैक्टर अगर डेफिशिएंट हुआ तो भी हमारा जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है ना, वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा फैक्टर नंबर 8 जो है ना, वो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा. क्यों, वॉन विलेब्रांड डिजीज में, ठीक है ना. तो वॉन विलेब्रांड फैक्टर के दो काम थे, एक तो मैंने बताया था वो एडहेसिव है, जो प्लेटलेट है ना उसको बाइंड करता है कॉलेजन के साथ. यहाँ प्लेटलेट है, ये कॉलेजन है, उसके बीच में मैंने बताया था याद हो तो, फेविकॉल की तरह डॉट्स बनाता है और इसको स्टिक करेगा. दूसरा काम है फैक्टर 8 को, इसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगा, ठीक है. लीवर फेलियर में तो होगा ही, 2, 7, 9, 10 फैक्टर नहीं होंगे, ठीक है. चलो बढ़िया, 8, अभी मैं धीरे धीरे से शो करूंगी, आपको आंसर नहीं दिख जाए, ठीक है. नॉर्मल थ्रोम्बिन टाइम, 1 second, 5 second, 10 second, 20 seconds. चलो, थ्रोम्बिन टाइम में हम क्या कर रहे थे, प्लाज्मा लेके इसके अंदर हम डाल रहे थे डायरेक्टली थ्रोम्बिन,
थ्रोम्बिन डालेंगे तो इमीडिएटली हमारा जो फिब्रिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिब्रिन के अंदर और क्लॉट बन जाएगा। पर ये कब नहीं होगा? नंबर वन ए फिब्रिनोजिनेमिया और डिसफिब्रिनोजिनेमिया है ना, और दूसरा था एक और भी था हिपेरिन थेरापी है ना, हिपेरिन में भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है। ठीक है 10 सेकेंड करेक्ट बरखा, फास्ट आंसर, गुड 10 सेकेंड्स ठीक है ना। थ्रोम्बिन टाइम नंबर 9 क्लॉट रिट्रैक्शन टाइम डिनोट्स फंक्शन ऑफ, ये तो आएगा इजी वाला आंसर है, रिट्रैक्शन किसका काम है, क्लॉट बन गया इसके बाद उसको रिट्रैक्ट करना है। प्लेटलेट के अंदर जो था ना, प्लेटलेट के अंदर हमने प्लेटलेट वाले लेक्चर में किया था एक्टिन मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्थेनिन, जो है ना वो क्या करता है प्लेटलेट क्लॉट को रिट्रैक्ट करने में मदद करता है। ठीक है रिट्रैक्शन। तो बेटा फैक्टर नंबर 7 कहाँ से आ गया ओसामा, आप कहाँ पहुँच गए, 7 का क्या रोल हो गया क्लॉट रिट्रैक्शन में? सभी लोग बी बता रहे हो, क्यों 7 फैक्टर कैसे आया, 7 फैक्टर कैसे क्लॉट रिट्रैक्ट करेगा? हाँ प्लेटलेट कर रहा है ना क्लॉट को रिट्रैक्शन, प्लेटलेट करेगा बेटा, प्लेटलेट करेगा, हमने किया ना अभी, आप भूल गए, एक मिनट देखो, एक मिनट रिवाइज कर लेते क्लॉट रिट्रैक्शन वाला जो है वो, कन्फ्यूजन हो गया बच्चों आपको तो पूरा। हाँ ये वाला, ये बताया ना मैंने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में इट इज़ अ फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, एम आई क्लियर? डी, हाँ इट्स डी, प्लेटलेट का फंक्शन है ना रिट्रैक्शन करना। ये देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, देखो एक्टिन मायोसिन थ्रोम्बोस्थेनिन है ना, डी डी कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत हो जाए जैनम नो प्रॉब्लम, यहाँ पे गलत हो गया तो अच्छा है एग्जाम में नहीं होगा है ना, नो इश्यूज, गलत हो तो कोई टेंशन नहीं करो, आई एम नॉट स्कोल्डिंग यू, गलत होगा तो ठीक है बढ़िया, दूसरी बार नहीं होगी गलती, फिर एग्जाम में नहीं होगा, यहाँ हुआ तो चलो करेक्ट कर, ओके चलो। क्लॉट रिट्रैक्शन इज कंप्लीटेड, कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, स्टार्ट हुआ बिगिन एंड कंप्लीट, बिगिनिंग एंड कंप्लीशन हमने किया था, ये भी किया था, गुड चलो। क्लॉट रिट्रैक्शन डी करेक्ट ओसामा, आपका इंटरनेट फास्ट है। हाँ बरखा करेक्ट 24 आवर्स ओके ठीक है करेक्ट। सो यहाँ पे आज हम आनंद करेक्ट बेटा करेक्ट आंसर, आज हम ब्लड कंप्लीट कर रहे हैं, किसी को कोई टॉपिक में डाउट हो तो भी बता सकते हो चैट में, तो अगर एक दिन बाकी है हमारा महीना खत्म होने में तो वो टॉपिक में करवा सकती हूँ, किसी को डाउट है बच्चों तो आप लिख देना, अगर अभी लाइव क्लास में नहीं हो बाद में भी देख रहे हो अगर कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो ये वीडियो के चैट बॉक्स में प्लीज़ आप डाल देना कि मैडम ये टॉपिक में हमें समझ नहीं आया या फिर ये टॉपिक रह गया, मैं बाद में भी पढ़ा दूंगी कभी भी। हाँ बच्चों एक बार बोल दो, अगर सभी समझ में आ गए तो बढ़िया है, तो इसके जितना तो कुछ भी नहीं अच्छी बात है, वो सबसे अच्छी बात है कि हमारा ब्लड कंप्लीट हो गया हमें सभी टॉपिक्स आ गए, पर अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है बढ़िया चलो, मेरे बच्चों को तो सब कुछ आएगा इतना तो मैं श्योर हूँ है ना, जो भी रेगुलर बच्चे हैं उनको सब कुछ आने वाला है ठीक है ना, और कोई टॉपिक हो तो बाद में भी बता देना, मैं बाद में भी डाल दूंगी। कल हम करेंगे नर्व मसल फिजियोलॉजी कर रहे हैं अभी नवंबर महीने में, बिकॉज नवंबर महीने में दिवाली की छुट्टियां बहुत सारी आएगी तो छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं नर्व फिजियोलॉजी मसल फिजियोलॉजी, कल हम कर रहे हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ऑल ठीक है, तो ये महीने में नर्व मसल फिजियोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर से बता रही हूँ मेरे सभी नोट सॉफ्ट कॉपी में आपको चाहिए तो वेसेलियस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, हार्ड कॉपी में चाहिए तो मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स है जिसकी भी आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है।